हाँ तो जैसा कि दोस्त आप लोग आज गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो जिस टाइम पे आप मेरे वीडियो देख रहे हो और सबको प्रणाम और जोहार झारखंड। आज मैं आया हूँ आपका BTPS और BTPS जो कि हमारा बोकारो स्टील सिटी सॉरी बोकारो BTPS क्या बोकारो थर्मल में स्थित है। यहाँ पे आपको यहाँ का बोकारो BTPS जो है बोकारो थर्मल पावर प्लांट के बारे या तो फिर बोकारो एरिया के बारे और भी बढ़िया बढ़िया मैं आप लोग को लोकेशन दिखाऊंगा और ताकि आप उस लोकेशन को देख के आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते तो यहाँ का लोकेशन दिखाते हैं। अब वीडियो के अंत तक लगे रहे और सब्सक्राइब करना भूले ना। पहले मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग भाई को सब्सक्राइब करें और आज मैं इस स्क्रीन से अपना ब्लॉग बनाऊँगा और यहाँ से BTPS का पूरा दृश्य दिखाऊंगा। तो आप वीडियो का अंत तक लगे रहें। ये प्लांट जो देख रहे हैं आप बोकारो BTPS थर्मल प्लांट है और ये थला प्लांट इस पानी से ही चलता है जो कि ये देखिए आप प्लांट का व्यूज और बहुत ही लंबी पुल भी बनी है। इसी पुल के माध्यम से मैं भी BTPS का रनिंग करूँगा। मैं पार हो गया। तो अभी मैं दोस्त अभी BTPS जो पुल है मैं अभी पुल पार कर रहा हूँ और ये BTPS पुल पार कर रहा हूँ। उधर का नज़ारा देख रहे कितना ग्रीनरी है और यहाँ पे अभी शाम का जो टाइम है इस समय लोग आते हैं यहाँ पे और अपना मनोरंजन करते हैं। और इधर देख रहे हैं ये आपका पूरा प्लांट जो कि प्लांट आप देख रहे हैं कि ये पूरा BTPS एरिया बोकारो ये थर्मल प्लांट है। यहाँ विद्युत उत्पादन होता है और मेरे को जहाँ तक ये आइडिया है और यहाँ जो कि बहुत ही पुराना प्लांट है अंग्रेज़ों का ज़माना से बना हुआ ये प्लांट है जो कि अभी तक चल रही है। और ये जो पुल है आप पुल का नज़ारा जो देख रहे हैं ये पुल ये कुछ ही दिन हुआ है बने हुए और ये पुल में बहुत सारे लोग आते हैं। तो और भी मैं आपको और भी आगे चल के वीडियो दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं आपको पूरा बोकारो स्टील सिटी जो BTPS प्लांट मैं दिखा रहा हूँ और इधर देखिए ये पुल है और अभी ये पुल और भी साइड में बाकी है। ये पूरी तरह से बाकी है ये पुल बनने का आप देख सकते हो इधर अभी बाकी है। ये बीच में रेलवे पटरी होने के कारण ये पुल अधूरा है ताकि ये पुल को पूरा नहीं किया गया है। ये देखिए आप मैं आपको जूम कर देखिए ये जो कि मिलना चाहिए अभी तक मिली नहीं है और अभी कार्य काफ़ी दिनों से बंद है कोरोना को लेके या क्या है अभी इस मैटर को तो ना समझा सके हम। और ये झारखंड जो है कि जिस देश जिस जगह पे मैं रहता हूँ जिस देश में जिस एरिया में इस एरिया में अधिकतर पहाड़ी इलाका है। और ये देखिए पुल का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ क्या सुंदर लग रही है पुल की पहिया। और ये देखिए जो कि प्लांट अद्भुत नज़ारा है। यहाँ बहुत सारे वर्कर जाते हैं मैं वर्कर स्टैंड दिखाता हूँ कि वहाँ पे कितने गाड़ियाँ हैं। ताकि मेरा व्यूअर्स देख सके तो उसके बारे कुछ बताइए ताकि मैं वहाँ का लोकेशन दिखाऊँ अपने व्यूअर्स को। BTPS मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का साफ़ सुथरा माहौल सबसे अच्छा हमको लगता है और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है और बस यही बोल सकते हैं कि
यहाँ के प्लांट बहुत अच्छे हैं और क्या बोलते हैं आगे क्या है उधर नाम को अच्छा से नहीं पता, बट आगे बहुत अच्छा एक स्पॉन्स है वो। हाँ वही। चलिए तो जैसे मैं तो आपको बाजार की ओर लेके जा रहा था, लेकिन आप मार्केट नहीं जाऊंगा, छाय पॉइंट दिखाऊंगा। हाँ वो बहुत खूबसूरत है, आप लोग जाके देखिए और इन्जॉय कीजिए आप लोग। ओके तो चलिए थैंक यू, मैं छाय पॉइंट की ओर आपको लेके जा रहा हूँ। अच्छा हमारा सर जी का नाम मैं पूछ लेता हूँ, मैं तो जानता हूँ सर के सपोर्ट करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये ऐसा मतलब लोग भाई अभी तक हमको इधर का एरिया में अपना एरिया बता रहे हैं, अपना लोकल एरिया में कब कोई ऐसा नहीं है जो अपना बहुत अच्छा अच्छा ये व्यू दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, व्यू पॉइंट भी बताते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करें और शेयर करें और इनका बहुत ज़्यादा उनका मतलब प्यार अपनी तरफ से दें कि आगे लेके। तो थैंक यू, मैं तो सर ताकि मेरे जितना तारीफ करें। और तो अब हमसे और भी लगाव लगाने के लिए आप मेरे घर को फंक्शन में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके ओके, मैं सर बताइए कि फंक्शन वगैरह के लिए कैसा, मेरा आपने वीडियो भी देखा होगा, आपने काम भी मेरे से करवाया, मेरे व्यूअर्स को बताइए कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस। इनका काम बहुत अच्छा है, अपना नाम को ये अच्छा तरह से अपना ब्रांड बना चुके हैं और उस टाइप से इसका अगर मतलब कोई भी अगर वीडियो का समथिंग या कुछ भी हो एवरीथिंग अगर वीडियोग्राफी के लेकर या शूट के लेकर, तो इनको कांटेक्ट करें, इनका काम बहुत अच्छा होता है और ये जितना आप लोग इनको पेड करें ना उससे भी बहुत अच्छा वो काम करके आपको देते हैं। तो थैंक यू, और मैं आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं। और डांस क्लास के लिए मैं सर का भी नंबर डाल दूंगा, कोशिश करूंगा सर से परमिशन लेके कि आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सर ऑनलाइन क्लासेस भी कराते हैं। और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको आगे पोस्टपोन भी दिखाने ले जाता हूँ। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। तो ऐसा देखा कि आपने, ताकि मैंने सर से बात किया, डांस क्लास सर थे, वो उनसे काफ़ी पहले ही इंट्रो हो चुका था। और मैं अभी तो BTPS पहुंच गया, जो कि ये मेन मार्केट है, ये मार्केट में आपको सारा सामान मिल जाएगा। मार्केट के लिए मैं स्पेशल आपको वीडियो बना के दूंगा, मार्केट में क्या क्या मिलता है, लोगों से परिचय भी करवाऊंगा। अभी मैं सर जो बोले जिस लोकेशन में, मेरा आखिरी मंजिल वही लोकेशन रहेगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और सर ने जिस लोकेशन को उनके बारे में ऑर्गेनाइज किया है, मैं उस लोकेशन को ज़रूर दिखाऊंगा, मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको, मार्केट अभी बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो और भी मेरा वीडियो देखने के लिए ब्लॉग भाई को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसे ऐसे लोकेशन से परिचय हो, ताकि वो अपने फ़ोटोशूट के लिए आएँ और इन्जॉय लें, चील करें। ये फाटक के बाद यहाँ पे दो रास्ता गया हुआ है, ताकि आप इस जर ये कोई और रास्ता है कंस्कीरो के लिए, और ये रास्ता भी आपको छाय पॉइंट की ओर लेके चलेगा। और यहाँ एक चौक है, जो कि जिस चौक का नाम है झंडा चौक, और अभी मैं झंडा चौक पार कर रहा हूँ। और इधर देखिए त्रिलोचन मंदिर, आप बस इस रोड को सीधा पकड़े रहें और आपको मैं छाय पॉइंट की ओर जितना जल्द हो सके पहुँचाता हूँ और वहाँ का लोकेशन दिखाता हूँ। Thank you.
बात करता हूँ और इस पोस्टपोन्ड के बारे में कुछ जानकारी लेता हूँ कि यहाँ का दृश्य कैसा है, यहाँ के बारे में जानकारी लेता हूँ। तो भैया मेरा नाम पवन कुमार नायक, मैं ब्लॉग भाई मेरा यूट्यूब चैनल है। तो हेलो, मैं आपसे कुछ जानकारी मेरे व्यूअर्स को दीजिएगा, आप अपना परिचय थोड़ा बताइएगा। मेरा नाम पंकज कुमार है। तो पंकज भैया बताइएगा यहाँ के बारे, पोस्टपोन्ड के बारे। ये जो है पॉन्ड जो है ये प्लांट से छाया लेके आती है और इसका रुकाव है ऊपर में, और उसका जो पानी है फिर ये नीचे पॉन्ड में आता है और ये फिर प्लांट चला जाता है रिटर्न। पानी व्यर्थ मतलब नहीं होता है। अच्छा, तो भैया ने जैसे कि मैंने आपको प्लांट आते समय जो दिखाया, उस प्लांट का जो छाई है वो ऊपर जो कि है उस दृश्य में जमा होता है और वही उस वहाँ पर छाई स्टॉक होने के बाद यहाँ पर पानी फिर जमा हो जाता है और ये पानी आपको सप्लाई कर देती है और ये पानी फिर प्लांट जाती है और पानी फिर छाई लेके रिटर्न आती है और पानी फिर प्लांट जाती है और फिर वहाँ से छाई लेके आती है और ये पानी व्यर्थ नहीं होती है। तो जल बचाओ को लेके भी प्लांट काफ़ी आगे है और प्रदूषण जो है कि वहाँ का जो छाई है वो वहाँ पर स्टोर होता है। और कुछ यहाँ के जानकारी दिए और विशेष क्या है और भैया ने जैसे बता दिया, थैंक यू भैया यहाँ की जानकारी देने के लिए। और चलिए मैं आगे और आपको कुछ दिखाता हूँ। चलिए मैं इस पोस्टपोन्ड का दृश्य तो आपको दिखाया और लोगों से कुछ बात भी करता हूँ। मेरे को रास्ते में मिल गया तो यहाँ पोस्टपोन्ड के बारे में कैसा हवा है, कैसा नज़ारा है, चचा से बात करते तब चचा यहाँ का नज़ारा कैसा है बताइए। बहुत अच्छा भाई, इतना अच्छा है ना, क्या बताऊँ। यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है, हरियाली है, देखने में सुंदरता है और हम लोग हमेशा आते हैं, पर डे आते हैं युवा लेने के लिए। तो अगर आप इस एरिया में नए हो तो या तो फिर आप यहाँ कभी आते हैं ठहरने के लिए तो इस एरिया में आइएगा, तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ का नज़ारा लीजिए और यहाँ पे मस्ती कीजिए। आ रहा है यहाँ का हवा बहुत ही सुनहरा हवा है। और चलिए यहाँ पे भाभी जी से बात करते हैं कि यहाँ का दृश्य कैसे लग रहा है, या आंटी से बताइएगा यहाँ के बारे। अच्छा अच्छा, आंटी कुछ नहीं बता रहे, सर से पूछते हैं। बताइए सर यहाँ का दृश्य कैसा है। यहाँ का दृश्य तो बहुत ही अच्छा है भाई, हम लोग तो प्रतिदिन आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे, और इतना सुंदर हवा है यहाँ पे कि स्वास्थ्य भी ठीक कर दिया। हम एक बार बीमार पड़ गए थे तो हम लोग डेली आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए। आज लगभग डेढ़ महीना से इधर हमेशा चल करके आते हैं, अकेले नहीं दोनों वाइफ हस्बैंड आते हैं। थैंक यू बताने के लिए यहाँ के वातावरण के बारे। तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और अगर आप BTPS में कभी ठहर रहे हैं तो इस दृश्य में ज़रूर आएँ और यहाँ का नज़ारा देखने लायक भी है और यहाँ का वातावरण काफ़ी सुंदर है और हेल्थ को भी आपको स्वस्थ रखने का ये देंगे। तो चलिए मैं आपको और भी कुछ आगे दिखाता हूँ, थैंक यू।
कि मैंने आपको बोला कि कुछ प्लांट का लाइट मैं दिखाऊंगा। अभी मैं बाइक से ही हूँ और मैं ठहर के भी दिखाऊंगा प्लांट का व्यू, और देख सकते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और मेरे को प्लांट का व्यू दिखाने के लिए मैं रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, तो मैं रॉन्ग साइड नहीं जाऊँगा, मैं गाड़ी खड़ा करके मैं प्लांट का व्यू आपको दिखाता हूँ सामने से। और चलिए मैं देर ना करते हुए आपको मैं, तो आप देख सकते हैं भाई कि ये कैसा दृश्य है, देख सकते हैं कि लाइट में अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं आपको और भी कुछ दिखाने वाला हूँ। वाओ, फूल की जो नज़ारा है लाइट में काफ़ी देखने लायक अट्रैक्टिव है। तो आपको ये जो है कि हमारा वीडियो ब्लॉग भाई को जितना प्यार दे सके, मेरे भी काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन मैं आपको फिर भी मैं आपको अपने इस लोकेशन का दृश्य दिखाने के लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, और मैं काफ़ी दिनों से सोच ही रहा था कि मैं उस एरिए पे जाऊं और अपना एक वीडियो आपको इस BDPS एरिया के बारे में दूं। और जितना भी हो सके आप मेरे YouTube भाई को शो करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ताकि मैं और भी एंटिक मोमेंट आपको दिखाने का कोशिश करूं। अभी मेरा प्लान बहुत ही दूर तक है, ताकि मेरे को जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं मैं उतना दूर तक आपके लिए प्रेरित रहूंगा। तो थैंक यू सो मच, और मेरे को वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।